पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक अटल डिबेटिंग क्लबों का शुभारंभ और एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। आगामी कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्य योजना बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी के रूप में आए भाजीमो क्षेत्रीय मंत्री अभिषेक जैन, महानगर अध्यक्ष भाजीमो अभिषेक चौबे ने कार्यक्रम का विषय रखा, जिसके क्रम में अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मुरादाबाद में 27 दिसंबर को आयोजित होगी। भाषण प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि निर्धारित टॉपिक पर भाषण हेतु महानगर मुरादाबाद में कुल 50 प्रतिभागियों द्वारा अपना वाक्य कौशल प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उत्तम 3 प्रतिभागियों को क्षेत्र में होने वाली प्रतियोगिता हेतु चयनित किया जाएगा, जहां से 3 उत्तम प्रतिभागी चयनित होकर पूरे प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, जो हम पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भाषण प्रतियोगिता और एक अटल डिबेटिंग क्लब का भी शुभारंभ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। उसके निमित्त आज हमारी ये बैठक थी। ये डिबेट, ये भाषण प्रतियोगिता प्रत्येक जिले में होगी। इस भाषण प्रतियोगिता में लगभग 50 सहभागी पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी एक आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की। जैसे आप सब लोग जानते हैं, बड़ी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वाक कौशल और उनकी जो एक शैली थी वो कितनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी, तो युवाओं को इससे प्रेरणा मिले और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक श्रद्धांजलि देने के लिए युवा मोर्चा ने यह कार्यक्रम किया है। यह कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में संपन्न होगा प्रत्येक जिलों में। मुरादाबाद जिले में भी ये कार्यक्रम 25 से तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में होने जा रहा है। हमने ये कार्यक्रम 27 तारीख का मुरादाबाद में निर्धारित किया है जी। हमने जो स्थान निर्धारित किया है वह स्थान ट्रिमिट कॉलेज मुरादाबाद है। समय आप लोगों को अभी शाम को हम तय करके बता देंगे। इस प्रतियोगिता में 3 विजेता रहने वाले हैं। जिन लोगों को जो टॉप 3 विजेता होंगे उन्हें क्षेत्र में डिबेट करने का मौका मिलेगा। इसी तरह से जैसे जो क्षेत्र में होंगे 3 विजेता, उन्हें प्रदेश में डिबेट करने का मौका मिलेगा। कई स्तर पर इसमें प्रोग्राम में पुरस्कार भी रखे गए हैं। जैसे अटल डिबेटिंग क्लब जो बनने जा रहा है उसकी सदस्यता जो विनर होंगे 3 उन्हें मिलेगी। आगामी जो कोई कार्यक्रम है भाजपा का या कोई सामाजिक कार्यक्रम है उनमें उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। इस दौरान महानगर महामंत्री अभिषेक राठौर, महानगर उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, दीक्षांत चौधरी, मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता, महानगर मंत्री सिद्धांत भारती, अजय तोमर, गौरव द्रविड़, समस्त भाजयुमो महानगर कार्यकारिणी सहित मंडल अध्यक्षगण भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और साल के 12 महीने एक्टिव रहने वाली पार्टी है। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने अभियानों के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव रखने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के 2 मुख्य बिंदु हैं, एक हमारी पंचनिष्ठाएँ हैं और एक हमारे 6 पर्व हैं। उनमें से एक हमारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो है वह हम सुशासन दिवस के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। जैसा कि अभी आदरणीय हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी ने आपको बताया कि उसी के निमित्त सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में 25, 26, 27 3 दिवस में पूरे प्रदेश में हर जिले में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उस भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से जैसा कि अभी भैया ने बताया कि युवाओं से जुड़ने का काम और युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम, उनको एक सही मंच देने का काम भारतीय युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। जैसा कि स्कूलों में भी भाषण प्रतियोगिता होती हैं, अन्य सामाजिक स्तरों पर भी भाषण प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनमें
उनको सर्टिफिकेट प्राइज देके उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इससे बढ़कर एक सुझाव, एक आइडिया निकाला है कि इन सभी युवाओं को हम पहले जिले स्तर पे, फिर क्षेत्र स्तर पे और प्रदेश स्तर पे इनकी प्रतियोगिता करा के, और इनमें से जो हमारे विजयी युवा होंगे उनको एक आपका युवा मोर्चा का जो अटल डिबेट क्लब होगा उसकी मेंबरशिप मिलेगी, और एक हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा पूरे देश में चल रही है। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ पे होने वाले डेवलपमेंट मॉडल को दिखाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने हर क्षेत्र से एक युवा को भेजने का काम करता है। तो उसी में क्रम में इन युवाओं को, जो ये विजयी युवा होंगे, उनको इस सुशासन यात्रा में भी प्रमुख रूप से सम्मिलित करने का काम किया जाएगा। आने वाले जो भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम होंगे उनमें भी जो इनमें से कुशल वक्ता हमें मिलेंगे उनको अन्य विषयों पे, राजनीतिक विषयों पे, सामाजिक विषयों पे बोलने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौका मिलेगा। और इस रूप से हम कहीं ना कहीं समाज में ऐसे युवाओं का एक तबका खड़ा करेंगे जो कहीं ना कहीं, जिन्हें बोलने में अच्छे हैं, सामाजिक मुद्दों पे बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।